आलसी टिड्डे। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था और रहते थे टिड्डों का एक झुंड। हल्की गर्मी, ताजी हवा और हरी घास में खुश रहा करते थे टिड्डे। अच्छा समय था। एक दिन जब टिड्डे खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ फलों और सब्जियों को जलते हुए देखा। टिड्डे इनको देखकर हैरान रह गए। टिड्डों के नेता को उन फलों और सब्जियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ा पास जाकर उन्होंने झांका। टिड्डा नेता ने देखा कि असल में वो कुछ चींटियां थे जो फलों और सब्जियों को अपने सिरों पर उठा ले जा रहे थे। सारा खाना लेकर अपने चींटी घरों में डाल रहे थे। तुम सब ये खाना लेकर अपने बिल में क्यों डाल रहे हो? पूछा टिड्डा नेता ने। सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो गर्मी में मिलता है वो सर्दी में कहाँ होता? पत्ते, फले, डालियाँ ये सब नहीं मिलेंगे। बहुत ठंड होगी और बाहर निकलना भी मुश्किल, इसीलिए हम अभी थोड़ा मेहनत करके सब कुछ जमा रखते हैं। हा हा हा, बेशक तुम चींटियों को ऐसे ही सिरदर्दी उठानी पड़ती है। देखो कितने छोटे और कमजोर हो, हम लंबे और बलवान हैं। हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं, बोला टिड्डा नेता गुरूर से। सारे टिड्डे बस चींटियों पर हंसते रहे। हर रोज चींटियां अपना काम करते जा रहे थे और खाना जमाते रहे और टिड्डे बस इनका मजाक उड़ाने में थे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए और गर्मी का मौसम भी खत्म होने को आ रहा था। एक दिन कुछ टिड्डे रोज की तरह खाना खाते आराम कर रहे थे। गर्मी के मौसम में केवल खा खा के सब आलसी और मोटे बन गए। आखिरकार ठंड का मौसम आ गया और आलसी मोटे टिड्डों के पास बने रहने के लिए कुछ भी नहीं था। ना पत्ते, ना छाड़ी, ना खाना, ना कोई रहने की जगह। तुरंत सबको याद आया कि चींटियों ने घर बनाए थे और बहुत सारा खाना भी जमा करके रखा था। सारे टिड्डे उस बिल में घुसकर वहीं पे कब्जा करके बस गए। अब सारे चींटियां परेशान हो गए और अलग अलग बिखर गए। चींटियों ने समूह बनाए और ठंड से बचने के लिए अपने दोस्तों के घर चले गए। ठंड का मौसम समाप्त हो गया और फिर से गर्मी शुरू हो गई। चींटियां फिर से खाना जमाने के काम में लग गए। सब चींटियों ने निर्णय लिया कि इस बार वे टिड्डों को उनकी छत और उनके भोजन पर कब्जा करने का मौका नहीं देंगे। टिड्डों को गुमराह करने के लिए उनके पास थी एक योजना। इस योजना के अनुसार कुछ चींटियों की सेना ने एक गुप्त जगह बनाई जहां पे वे खाना जमा कर रहे थे और साथ साथ कुछ और चींटियां उनके पुराने जगह में खाना जमा करने का नाटक कर रहे थे टिड्डों का ध्यान हटाने। टिड्डे आराम से चींटियों को देखकर सोच रहे थे कि अब फिर से सर्दी में वे उनके खाने पर कब्जा कर लेंगे। दोबारा आ गया ठंड का मौसम। टिड्डे फिर से उस बिल में घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ था ही नहीं, बस कुछ पत्ते और कुछ डालियां। टिड्डे हो गए परेशान। अब बाहर थी तेज ठंड और वे निकल भी नहीं पाए। ठंड का मौसम अब उनको उसी बिल में बिताना पड़ा। बस उन चंद पत्तों को खाकर जीवित रहना पड़ा। टिड्डों को एहसास हुआ कि उनको उनकी आलस्य की सजा मिल रही थी। जब वे गर्मी में बाहर निकले तो दुबले पतले और कमजोर पड़ गए थे। कुछ फल और पत्तों को खाकर अपनी सेहत का ध्यान रखा। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद टिड्डों ने भी खाना जमाने का काम शुरू कर दिया। ठंड का मौसम बिताने के लिए सब ने पत्ते झाड़ियों का घर भी बनाया। आलसी टिड्डे जो एक समय पर लापरवाह थे अब चींटियों की तरह मेहनती और बलवान बन गए।
इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हर काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आलस्य हमें बर्बाद कर देगा।